एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। आई एम ब्लॉगिंग टुडे एंड आज है आई थिंक वेनसडे या थर्सडे में से कुछ है, आई एम नॉट श्योर आज क्या है। तो हमारा कल सामान आया था, वेजीज वगैरह आई थी तो वो यहाँ पर रखी हुई हैं। आज मुझे वो सब सॉर्ट वगैरह करना है। लास्ट ईयर तक ना मैंने अपना जो ये चॉकलेट वॉकलेट वाला क्रेविंग है, अगर आप मुझे पिछले साल से फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मैंने ना चॉकलेट्स ऑलमोस्ट स्किप कर दिया था। शुगर वाली चीज़ें मैंने बहुत कम कर दी थी, 90-80% तक अपना रिड्यूस कर दिया था अपने डाइट में से। एंड उसकी जगह हम जैगरी यूज़ करने लग गए थे, ब्राउन शुगर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चेंजेस किए थे। बट हमारा जो विक्की जी महान है, ये अपने ग्रॉसरी में जैसे कोई चॉकलेट का पैकेट आता ही आता था तो मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगी। वो तो मैं उसको मना करती तब भी वो लेता ही लेता एक चॉकलेट का पैकेट मेरे लिए कि जब मेरा मन हो तो मैं खा लूँ। तो अब वो मन होते होते इतना ज़्यादा हो गया कि अब मैं खाना स्टार्ट करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं खाती जाऊँ। आई कुडंट कंट्रोल दैट, मे बी बिकॉज एक चॉकलेट खाने से मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है, नो डाउट इन दैट। बट डेफिनेटली वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कल मैंने ना, हमारे यहाँ डेट्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने डेट्स मंगवाए हैं सो दैट मेरे को जब भी मीठा खाने का क्रेविंग हो। मैंने पिछले साल भी यही किया था, मैं डेट्स खाती थी और बहुत हद तक मेरी जो क्रेविंग थी वो कम हो गई थी। तो मैंने अभी फिर से वही स्टार्ट कर दिया है कि मैंने डेट्स वगैरह मंगवा लिए हैं सो दैट अगर मुझे मीठा खाने का क्रेविंग हो तो मैं डेट्स खा करके अपनी क्रेविंग को शांत कर लूँ एंड देन मतलब अपना शुगर इनटेक जो है वो कम कर दूँ। मंगवाया था एक, मैं जिसकी क्लिपिंग डाल दूंगी, मोबाइल क्लिपिंग डाल दूंगी। मैंने मोबाइल से इसका वीडियो लिया था कि वो कैसा आया था। तो वो इतना बड़ा तड़का पैन आ गया था, स्टील का था। दो विक्की का मन था उसको रखने का, अच्छा था, क्वालिटी उसकी नो डाउट बहुत अच्छी थी। बट हमारे पास ऑलरेडी ना स्टेनलेस स्टील के दो हैं इस तरह के, जो सॉस पैन होते हैं ना वो सॉस पैन आ गया था इंस्टेड ऑफ तड़का पैन। तो मैंने सोचा कि यार जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास स्टील के बहुत अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स ऑल हैं, मतलब जितनी ज़रूरत है उतने हमारे पास हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी हमको नीड है तड़का पैन की, एक अच्छे तड़का पैन की। तो ये सेकेंड टाइम आया था जो कि वापस गया, एक फर्स्ट हमने मंगवाया था आयरन का मंगवाया था मैंने, तो वो इतना बेकार था, उसकी सीजनिंग वीजनिंग जो भी बोल लो वो इतना बेकार था कि हम उसको कम से कम 15 टाइम्स उसको मान चुके थे अपन, है ना, और फिर भी उसमें से रस्ट उस मतलब नहीं अच्छा था वो, तो हमने वो वापस कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड हमने ये मंगवाया स्टेनलेस स्टील का, ये वापस कर दिया। अभी थर्ड मैंने एक और स्टेनलेस स्टील का मंगवाया है, अभी ये अच्छा नहीं आया तो फिर मैं गिव अप कर दूंगी। मैंने ना एक देखा था वन स्टॉप पे, बहुत अच्छा तड़का पैन था, वो था समथिंग अराउंड 1800 कुछ का, बट मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। मैंने कहा बाद में आके ले लूँगी आराम से, ऐसा आराम वाला, विक्की के साथ आऊँगी तब आकर के ले लूँगी। और मुझे ना उसका ब्रांड याद नहीं है, ना तो वो एल्टा का था, ना ही वो बर्गनर का था, ना ही वो मेयर का था, और ना ही वो विनोद का था। वो कोई नई ब्रांड आई थी तो मुझे उस ब्रांड का नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि वो कौन से ब्रांड का था, नहीं तो मैं ऑनलाइन उसको सर्च कर लेती। बट उस तरह का तड़का पैन मुझे कहीं दिखा ही नहीं, वो इतनी शानदार क्वालिटी का था, वो महंगा था बट स्टेनलेस स्टील का बहुत ट्रिपल प्लाई वाला था, वो बहुत अच्छा था कि आप उसमें कुछ फ्राई व्राई भी कर सकते हो, ऐसा उसका शेप था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसी के उसमें थी कि मुझे वो मिल जाए, बट वो मिला नहीं। डेफिनेटली महंगा था बट बहुत अच्छा था। और वैसे भी जो अच्छी क्वालिटी के जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं ना, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है हमारी हेल्थ के लिए ही। तो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि अरे ये तो बहुत महंगा है, कुछ सस्ता ऑप्शन बताइए। यार ये ना ये आपको आराम से 15-20 साल चलेंगे, अगर आप चलाने वाले हो गए ना तो ये 25 साल भी चलेंगे, आई एम श्योर। एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ 25-25 साल चलती हैं, तो ये तो बहुत थिक और बहुत अच्छे बेस के बर्तन है, तो ये चलेंगे 25-30 साल आराम से चलेंगे अगर आप ढंग से इनको रखोगे चलाओगे तो। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बर्तन है तो वो आप किसी को नीडफुल इंसान को दे दीजिए ताकि उसके घर में काम आ जाए। एंड यस, तो अभी स्टार्ट करते हैं अभी सुबह के काम। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले तो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है।
तो मामर्थ ने बेसिकली क्या किया है ना, अनियन रेंज जो है उसको रीलॉन्च किया है, इम्प्रूव्ड एंड बेटर वर्जन निकाला है उसका ही। तो क्या इसमें नया एंड इम्प्रूव्ड हुआ है वो मैं आपको फटाक से बता देती हूँ। इस रेंज से आपके बाल 8 गुना ज्यादा अच्छे से डिटेंगल हो जाएंगे एंड साथ ही साथ स्मूथ हो जाएंगे। जो आपके बाल है वो ज्यादा शाइनियर, सिल्कियर एंड हेल्थियर हो जाएंगे। 22% ज्यादा फोम मिलेगा विथ नो सल्फेट और एनी टॉक्सिन। तो अभी तो मैं यहाँ पर ये ऑयल लगा रही हूँ। तो अनियन एक तरह का मिराकुलस किचन इंग्रेडिएंट है जो कि हेयर फॉल कम करने के लिए सालों से यूज किया जा रहा है। ये जो ऑयल है इसके अंदर काफी लाइटर कंसिस्टेंसी है, नॉन स्टिक है एंड साथ ही साथ इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है। ये जो अनियन रेंज है ये 4 टाइम्स ज्यादा कंडीशनिंग इफेक्ट देता है और इस अनियन रेंज का जो शैम्पू है ये बिना ड्राई करे आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लेंस करता है। तो यूज करने से पहले मैं आपको प्रॉपर वॉश करने के बाद जो इफेक्ट आने वाला है मेरे बालों में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस। मामा अर्थ ने जो अभी अर्थ डे आया था उसमें अपना गुडनेस रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया था, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मामा अर्थ अब तक 1 लाख ट्रीज जो है वो प्लांट कर चुके हैं, 1135 मेट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकल कर चुके हैं एंड 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg। 50,000 सैनिटाइजर्स एंड 20,000 क्लोथ मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं कोविड हीरोज को। मामाअर्थ ने रिसेंटली अपना जो मामाअर्थ ऐप है वो लॉन्च किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी iOS एंड एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। तो अभी मैं शैम्पू के लिए यूज करने वाली हूँ ये मामाअर्थ का अनियन शैम्पू। मिला हुआ है अनियन, प्लांट कैरेटिन, वीट अमीनो एसिड एंड सोय अमीनो एसिड। हेयर फॉल रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ एंड शाइन प्रोवाइड करता है एंड आपके स्कैल्प को नरिश करता है। मैं जस्ट फटाक से कुकिंग करती हूँ और उसके बाद शावर लेने के लिए जाने वाली हूँ। तो जितने भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अगर आप स्क्रीन पे योर कूपन कोड यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पर एंड मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं Amazon, Nykaa एंड mamaearth.in पर। तो फटाफट से कुकिंग करते हैं एंड उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मसाला पनीर। यहाँ पर हमने एक पैन गरम करा, ऑयल डाला, बटर डाला, उसमें बे लीफ डाली, लौंग डाली 3 और साथ में 2 इलायची डाली। यहाँ पर हमने अनियन को एकदम प्रॉपरली बिल्कुल बारीक तरीके से चॉप कर लिया है एंड वो यहाँ पर डाल दिया है। ग्रीन चिली ऐड करी है, जितना तीखा आप खाते हैं उतना। अब इसको अच्छे से आपको फ्राई करना है, मतलब पक जाना चाहिए प्रॉपर, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, इस तरह का कलर हो जाना चाहिए। एंड जब इसका कलर चेंज हो जाए, ये थोड़ा ब्राउनिश काइंड ऑफ टर्न हो जाए, तब मैंने दही लिया है। उस दही में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एंड धनिया पाउडर मिक्स कर दिया था और उस मसाले को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब अच्छे से आपको चलाना है, जब आप दही डालते हो तब थोड़ा 2 मिनट तक इसको चलाने के बाद, थोड़ा जब ये पक जाए उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटो प्योरे। तो मैंने ये टमाटो की जो प्योरे है ये जो हमारा चॉपर है ना उसी में बहुत देर तक वो मिक्स करके करी है। तो ये बहुत आराम से एकदम फाइन मैश हो चुका है, जो टमाटो है वो डाल दिया है। थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने जैगरी पाउडर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। जब ये वेल कुक हो जाए उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पनीर ऐड करेंगे और जितना आपको थिक चाहिए, जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए। उसके ऊपर यहाँ पर मैंने डाला है मेथी, जो ड्राई मेथी होती है वो, एंड धनिया ऐड कर दीजिए। आपकी जो सब्ज़ी है वो रेडी है, काफ़ी जल्दी बन जाती है ये और बहुत टेस्टी भी लगती है। Feels were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back. Them days running around in a gown and a crown, barefoot. गाइस, आई जस्ट टुक शावर और मेरा लंच भी हो गया है। मेरा लंच हो गया है और मैंने शावर ले लिया है और जस्ट 1 घंटा हुआ है मुझे शावर लिए हुए एंड मेरे बाल देखे ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं, हल्के से यहाँ से ठंडे हैं, गीले नहीं बोलूँगी ठंडे हैं। मैं इससे ये जो है ना इससे टॉवल ड्राई करती हूँ अपने बालों को, मतलब इसको बांधे रखती हूँ अपने बालों में एंड
विद इन 20-30 मिनट्स में तो मेरे बाल आधे तो ड्राई हो ही जाते हैं. ओके गाइस, सो दिस इज माय हेयर राइट नाउ. ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी हाल कोई स्मूदनिंग या ऐसी कुछ चीज़ करवाई है. इतने सॉफ्ट और इतने ज़्यादा सही लग रहे हैं ये. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. मैंने कंडीशनर भी वही रेंज का ही यूज़ किया है. सो आई एम टोटली लविंग माई हेयर. और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आप सब लोगों ने मेरा ये वॉर्डरोब टूर तो देखा ही होगा. और मैंने ये भी चीज़ बोला था कि जब भी मेरे पास सपोज अगर एक कपड़ा मेरे पास नया आएगा तो मैं दो कपड़े निकाल भी दूंगी या एक ही कपड़े निकाल दूँगा. ऐसे करके मैं डीक्लटर करती जाऊँगी. हर 2-3 मंथ्स मैं डीक्लटरिंग करूँगी ही करूँगी. सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू डीक्लटर माई जो घर के कपड़े पहनने वाला जोन है ना, वो बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका है. जैसे कोलैबोरेशन करे थे, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे क्लोथ्स आए थे, उनमें से मैंने घर के टॉप निकाले पहनने के लिए, जिसमें से एक टॉप तो ये है. ये वाला जो वैन हिसन का मैंने टॉप बताया था ना, जो मैंने बताया था बहुत अमेजिंग है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आज मैं वही वाला टॉप पहनी हुई हूँ. आई टोटली लव्ड इट. इसकी फिटिंग विटिंग सब कुछ बहुत अच्छी है. ऑल्दो ये मैंने बाहर पहनने के लिए मंगवाया था, छोटे मोटे काम के लिए अगर बाहर जाना हो तो, बट यार अभी बाहर तो जा नहीं रहे, तो फिर मैंने आज ये घर पे निकाल के पहन लिया. एंड दिस इज लुकिंग प्रीटी अमेजिंग. लास्ट वीक जब मैं थोड़ा मेंटली ऐसे थी ना, डिस्टर्ब हो रखी थी, तब मैंने अपनी वार्डरोब को लिटरली कचरा कर दिया है. लिटरली कचरा कर दिया है. ये देखिए सब कुछ मिक्सड अप हो गया है. ये मेरे बॉटम्स, ये मेरे टी शर्ट सब मिक्स हो गए. मुझे कुछ भी नहीं मिलता है जब मुझे कुछ ढूंढना होता है तो. एंड साथ ही साथ मैं कुछ जो नाइट सूट्स हैं वो निकालने वाली हूँ. ये जो मेरा गोवा टॉप वाला सेक्शन है, ये एज इट इज़ रखा हुआ है, ये हिला भी नहीं है. लेकिन जो मेरा नाइट सूट्स वाले सेक्शन है, शॉर्ट्स कहीं हैं, नाइट सूट्स कहीं हैं, उसके बाद कुछ नाइट सूट्स कहीं पर हैं, तो ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट. और ये जो ड्रेस है, ये वेरोमोडा, ये सब यहाँ पता नहीं मैंने क्यों रख रखी है, ये सब थोड़ा ऑर्गेनाइज करा जाएगा अभी. एंड ऑल्सो ये जो मेरे बैग्स है ना, एक मिनट, मुझे आज अपने बैग्स वगैरह भी थोड़े ऑर्गेनाइज करने हैं, क्योंकि अभी तो कहीं बैग भी यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो मैं ये इतने सारे बैग बाहर रखने की बजाय सिर्फ एक बैग बाहर निकाल के रखूँगी. मैं अभी आपको अपने बैग्स भी दिखाती हूँ. सो आई केप्ट माई हैंड बैग्स हेयर. यहाँ पर मेरे बैग रखे हुए हैं. मुझसे किसी ने तो भी पूछा था कि आप अपने बैग कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, तो मैं अपने बैग भी कुछ ना कुछ तो निकालने ही वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कैसे गिर रहे हैं धड़ाधड़. This is from Caprese, Puma. This is from H&M. This is from Caprese again. This is from Caprese. ये है Allen Solly का. And ये है Zara. And this is from H&M. तो मेरे पास आप देखेंगे कि मोस्टली सब न्यू ब्लैक शेड्स एंड डार्क ब्लू इसी तरह के शेड के बैग्स हैं. मैं वही लेना पसंद करती हूँ. आई एम नॉट अ बैग पर्सन. मतलब मुझे बहुत, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ बैग्स, कि मेरे पास बहुत बैग होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. इनमें से भी मैं सोच रही हूँ एक आधा निकाल दूँ. दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम ज़ारा. ये मैंने ज़ारा की सेल से परचेस किया था. ये भी एकदम ऐसा बेकार सा हो गया है. बट मैं से मैं सिर्फ ये वाला जो बैग है ना, ये मैं बाहर की तरफ रख रही हूँ, इनकेस अगर मुझे कहीं लेके जाना होगा तो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. बाकी ये सब कुछ मैं ऊपर रख देती हूँ वापस से. सारे बैग्स जो हैं वो इसके अंदर आ गए. मैंने क्या किया, जो छोटे छोटे बैग्स हैं वो सब इसमें रख दिए, स्लिंग बैग्स. और जो मैं बिल्कुल लीस्ट यूज़ करती हूँ वो मैंने इसके अंदर रख दिया है. और मेरा जो ऊपर ज़ारा वाला है वो मैंने ऐसे रख दिया ताकि उसका शेप ख़राब ना हो. नाउ आई एम लेफ्ट विथ दीज टू बैग्स. ये दोनों रह गए हैं. एंड अब हम इसको ऑर्गेनाइज करना चालू करते हैं, ये जो पूरा कचरा घर बना करके रखा हुआ है मैंने. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लीनिंग. मोर देन 20 टी शर्ट्स विथ मी घर में पहनने वाली, 20 से ज़्यादा ही मुझे लग रही हैं. तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखूँगी 14 टी शर्ट्स 7 डेज के लिए, दैट्स इट. ताकि वो 7 डेज में राउंड अप में चलती रहे, उससे ज़्यादा ना हो. और इस तरह की जो जैसे सॉलिड टी शर्ट है, मैं इस तरह की टी शर्ट्स रखने की कोशिश ज़्यादा करूँगी. और 2-3 जो बहुत कम्फर्टेबल टी शर्ट्स होती है ना, जैसे अगर आपको कुछ, जैसे मुझे अगर बहुत सिंपल सा कुछ पहनना हो तो मैं लिटरली ये वाला टी शर्ट पहनती हूँ. जब मुझे बहुत लूज पहनने का मन करता है और मेरा मन करता है जस्ट ऐसी गूफी सी बन के घूमूँ मैं,
तो मैं इस तरह की टी शर्ट पहनती हूँ, तो इन इस तरह की टी शर्ट्स को मैं कभी भी निकालती नहीं हूँ, जबकि इसमें ना आपको मैं बताती हूँ ये इतनी ख़राब हो चुकी है टी शर्ट, बट फिर भी ये मैं रखती ज़रूर हूँ अपने पास, ऐसे लूज लूज विक्की की टी शर्ट है बाय द वे ये, तो मैं इस तरह की टी शर्ट अपने पास ज़रूर रखती हूँ, गूफी सा मुझे बन के घूमना हो सो दैट आई कैन रोम अराउंड लाइक दैट। मेरा जो टॉप है ना ये मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना, आपने मुझे बहुत टाइम से नहीं देखा होगा, तो इस वाले टॉप को मैं डाल रही हूँ वेटिंग लिस्ट में। Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Not, not, now. Cause your love made me go blind. ये मैंने Amazon में अपने हॉल वीडियो में शेयर किया था, these are the t-shirts from Amazon. प्योर कॉटन की टी शर्ट है ये इतनी अमेजिंग टी शर्ट है, मतलब ये टी शर्ट पहनने के बाद इसका इनको पहनने के बाद मेरे को ना बाकी और किसी टी शर्ट को पहनने का मन ही नहीं करता था, बिकॉज ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है और मस्त एकदम लूज स्मॉल साइज है, बट स्टिल ये जो लूज वाला फैब्रिक होता है ना, लूज पैटर्न जो होता है ये वैसे पैटर्न में थी, बहुत सही कपड़ा, बहुत सब कुछ बहुत सही आया था, वॉश हो चुकी है 2-3 बार एंड क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। ये अमेजन का एक ब्रांड है, सिंबल एंड आई थिंक ऐसा कुछ नाम है ना ब्रांड का, यस सिंबल सिंबल एसेंशियल। उसके बाद ये जो एक्चुअली में समरी टॉप्स हैं ये मैंने पिछले साल खरीदे थे लॉकडाउन में, ये और ये वाला टी शर्ट भी मैंने खरीदा था 2019 वाली समर्स में, ये मैं पहन ही नहीं पाई क्योंकि ये इतने नीचे पहुंच गए थे, तो ऐसे ही होता है। Tell me now if you want out. What are you saying? Come on, spit it out. I'm about to lose my mind again. How did you stop loving me? अब ये जो आपको हाइट दिख रही है ना ये मैंने इतने कम कर दिए हैं, जो कि यहाँ तक भरा हुआ था वो इतना हो गया है, तो मैंने काफी सारे जो टॉप्स हैं वो कम कर दिए हैं, काफी सारे टी शर्ट्स मैंने कम कर दिए हैं और उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, मतलब मैं और 15 डेज देखूंगी कि क्या मैं इनको पहन रही हूँ, अगर मैं नहीं पहन रही हूँ, मैं इनको पहनना एंजॉय नहीं कर रही हूँ, आई विल डोनेट इट टू समवन। और अब हम आते हैं इस वाले सेक्शन में, इसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहूंगी। ये इस तरह से दिख रहा है, ये मेरे पूरे लोअर का सेक्शन है, जिसमें से ये जो नीचे के 4 हैं ये मैं सिर्फ विंटर्स में पहनती हूँ क्योंकि बहुत जाड़े जाड़े फैब्रिक के, इनफैक्ट ये भी नहीं पहनती मैं, बाकी ये जो ऊपर के हैं ये सिर्फ समर्स वाले हैं एंड वही जो शॉर्ट्स एंड केपरी स्टाइल है वो है, और उसके बाद ये मेरे सारे टी शर्ट्स हैं, सो काफ़ी कम हो गया, वो जो ऊपर इतना भर गया था वो मैंने कम कर दिया है, और बाकी के क्लोथ्स यहाँ रखे हुए हैं। नेक्स्ट अब नेक्स्ट आते हैं नाइट सूट वाले सेक्शन में। नाउ दीज आर माई नाइट सूट जो मैंने आई थिंक 2 साल होने वाले हैं लास्ट टू लास्ट ईयर समर में लिए थे, एंड इन दोनों को भी अब मैं फाइनली वेटिंग जोन में डाल रही हूँ, बिकॉज कॉटन ये तो बहुत अच्छा है अभी भी, बट लेट्स सी मैं देखती हूँ, अगर मैं इसके बिना अगर मेरा मन नहीं होता है, किसी स्लीवलेस एंड काफ़ी लूज है तो रात में पहनने के लिए सही लगता है, बट अगर मैं इन्हीं कपड़ों से फिगर आउट कर लेती हूँ, मतलब इन्हीं कपड़ों में मैं अगर हैंडल आउट कर लेती हूँ तो फिर मैं इन दोनों को भी निकाल दूंगी, तो मैं इसको डाल रही हूँ अपने वेटिंग जोन में। तो जो पूरी वार्डरोब है वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है, सॉर्टेड हो चुकी है, काफ़ी सारे क्लोथ जो है वो मैंने निकाल लिए हैं, मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ। तो मैंने ना सारे जितने भी मेरे क्लोथ्स हैं जो मैं नहीं पहनने वाली हूँ वो मैंने, प्लीज़ अवॉइड द मैस, मुझे इसको भी सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि मेरे पास जो पीआर का सामान आता नहीं, ये पीआर वाली शेल्फ हो गई एंड ये वाला जो शेल्फ है ये मेरा पीआर से भरा हुआ है, एंड यहाँ पर 2 में मेरा सामान है, तो मुझे इसको भी सॉर्ट आउट करना है, वो अपन टाइम निकाल कर कि मैं किसी दिन करूँगी। एंड ये मेरे सारे जितने भी क्लोथ्स हैं मैंने भर दिए हैं इसके अंदर, मतलब वेटिंग जोन में रख दिए हैं कि अगर मुझे 1 महीने तक इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर मैं इनको निकाल दूंगी, वैसे नहीं पड़ने वाली है, ये ऑलरेडी इनफ है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पर वही मैंने अपने 2 बैग्स रख दिए हैं। नाउ कमिंग टू नीचे वाले सेक्शन में, तो
मैंने सिर्फ जमाया है अभी, ये मेरे पूरे वर्कआउट एंड डांस वाले क्लोथ्स हैं, सब क्रॉप टॉप्स हैं, ये कुछ घर में पहनने वाली जो ड्रेसेस हैं वो हैं जिनको मैंने अभी तक पहना भी नहीं है एक भी बार इस बार तो, और ये कुछ ऐसी टॉप्स रख दिए हैं, ये सारे मेरे घर में पहनने वाले टी शर्ट्स हैं, ये सारे मेरे घर में पहनने वाले बॉटम्स हैं, और ये वाले मेरे नाइट सूट्स हैं। मैंने एक भी नाइट सूट नहीं निकाला है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यू नो बस इतने ही मेरे पास नाइट सूट सेट बचे हुए हैं, मैंने सब निकाल दिए हैं जबकि बहुत नाइट सूट मेरे पास आते हैं, बट मैंने कहा अभी इतने ही रखते हैं। एंड ये सारे मेरे शॉर्ट्स हैं जितने भी, और एक वो बड़ी वाली टी शर्ट मैंने इधर रख के रखी हुई है, तो बस यही इतना ही मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, बाकी इन सब को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। तो आज जो हमको ऑर्गेनाइज़ करना था वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। शाम भी हो चुकी है वैसे, 6:15 हो रहा है, तो मुझे ना कुछ शॉर्ट्स लेने हैं, एक वीडियो बना रही हूँ मैं, कंसेप्ट वाले बेस्ड का है, तो उसके लिए मुझे कुछ शॉर्ट्स चाहिए, तो मैंने इसमें लिख करके रखे हैं 4-5 शॉर्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं, बट कुछ अभी रह गए हैं, सो आई विल सी कि कौन कौन से रह गए हैं और मुझे अभी करना है, तो मैं अभी एक घंटा वो काम करती हूँ, फिर उसके बाद 6:30-7 बजे मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट। सो आई जस्ट टुक शॉर्ट्स जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे लेना था, तो वो सब मैंने ले लिए हैं, एक सेकेंड, तो वो सब मैंने ले लिए हैं, एंड अब टाइम हो चला है कुकिंग करने का, 7:30 हो गए हैं, वैसे तो मैं 7:00 to 7:30 के बीच में कर लेती हूँ कुकिंग, पर अभी थोड़ा लेट हो गई हूँ, 7:30 करते हैं गरम गरम हम लोग, मतलब अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि रोटियाँ बनाने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर अंदर हम लोग उसको खा लेते हैं गरम गरम ही, तो वैसे बनाती हूँ, तो अभी फटाफट गरम गरम कुकिंग करती हूँ, उसके बाद try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Okay guys, finishing this vlog here. I hope you like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. Ghar ke andar rahiye, surakshit rahiye, safe rahiye, aur main milti hu aapko mere next video mein. Till then, bye.